हर महीने कुछ ना कुछ सामान फ्री मिलता था? नहीं, क्या ऐसा होता था कि 4 महीने आप संभाल लो तो 5वें महीने 2500 का सामान फ्री रहेगा? क्या ऐसा होता था? नहीं, ऐसा भी नहीं होता था। क्या ऐसा होता था कि 9 से 10 तारीख में आपको चेक या कोई कैशबैक आए? नहीं, ऐसा भी नहीं होता था। कोई अवार्ड फंक्शन, लाइव बॉय कंपनी, डव कंपनी आके आपको अवार्ड दे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता था। राइट, यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं लगाने हैं। आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर, आपके यहाँ पे आईडी लग जाएगी। राइट, जैसे आप यहाँ पे सामान खरीदते हैं अपने घर का, राइट, वो उससे आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी और आपको मौका मिलेगा यहाँ पे 10 तरीके की इनकम को कमाने का। यस, 10 टाइप्स ऑफ इनकम कंपनी आपको प्रोवाइड करती है जब आप यहाँ पे एक्टिव अपनी आईडी कराते। राइट, तो जिस प्लान के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, उस प्लान का नाम है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लाइफ में तो बहुत, हम सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइफ में 4 तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, जो कहीं ना कहीं किसी के अंडर में जॉब करता है, ठीक है, नौकरी करता है। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज। सेल्फ एम्प्लॉयज कौन होते हैं? वो लोग जो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लिया, दुकान खोल ली या फिर ट्यूशन पढ़ा लिया, फार्मिंग कर ली, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? जैसे टाटा, बिरला, अंबानी। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसों से ही पैसा बनाते हैं, लाइक मॉल ओपन करके छोड़ दिया या फिर अपने प्रॉपर्टी डीलिंग में काम किया। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो 95% जो पॉपुलेशन होती है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होती है, मतलब नौकरी करती है, छोटा मोटा अपना बिजनेस डाल लेती है। लेकिन इनके पास में पैसा कितना होता है? इनके पास में पैसा होता है सिर्फ 5%। क्यों? क्योंकि अगर 30,000 की भी जॉब कर रहे हैं तो इनके हाथ में कितना ही पैसा बचता होगा, राइट? लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी की, तो इनके पास में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन तो ये बहुत छोट कम होते हैं, राइट, क्योंकि ओनर्स ये होते हैं, 5% की पॉपुलेशन होती है इनकी, लेकिन इनके पास में पैसा कितना होता है? 95% इनके पास में होता है। अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव इनकम की, कि जब तक हम काम करेंगे तभी तक हमारे पास में पैसा आएगा। नौकरी करने वालों के साथ में यही होता है, सेल्फ एम्प्लॉय में जो दुकान खोलते हैं उनके साथ में यही होता है। जब तक दुकान खोली तब तक पैसा आएगा, दुकान नहीं खोली तो पैसा नहीं आएगा। काम पे गए तो इनकम आएगी, वरना नहीं आएगी। लेकिन एक होती है पैसिव इनकम, जिसमें हम अपना एक सिस्टम बना लेते हैं कि अगर हम वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी हैं तो भी हमारे घर में इनकम आती है, राइट? तो क्या हम अपनी लेफ्ट टू राइट में जाना चाहते हैं? क्या हम एम्प्लॉय क्लास से बिजनेस क्लास में जाना चाहते हैं? यस, जाना तो डेफिनेटली चाहते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? हम एम्प्लॉय क्लास के लिए कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, रेस में जीतना होता है तो रेस में पार्टिसिपेट करना होता है, कभी भी ऑडियंस रेस नहीं जीतती है। तो क्यों लोग बिजनेस प्रेफर नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट, एफर्ट्स, कनेक्शन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है। तो एक इंटेलिजेंट चॉइस क्या कहती है? या तो रिस्क लो और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर जो जॉब कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए, और 1-2 लाख रुपए की जरूरत कभी अचानक से पड़ जाए तो बार बार जॉब चेंज करिएगा। और या फिर तीसरी चॉइस कहती है कि यस, आप ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं जिसमें हम बिजनेस भी करें और बिना कोई रिस्क के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। तो जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के टाइम की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इवन फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट भी कहती है कि 2025 तक 65,000 करोड़ का टर्नओवर ये इंडस्ट्री करके देगी, राइट? तो क्यों मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बता रही हूँ? आज आपको बताऊंगी कि 2015 का डाटा अगर हम बात करें तो $1 बिलियन मार्केट अगर देखी जाए तो डायरेक्ट सेल अप्रॉक्स में यूएसए में 20% इकोनॉमी में हेल्प करती है, चाइना में 19%, कोरिया 9%, जर्मनी 1%। लेकिन आपको इसमें कहीं पे भी इंडिया का नाम नहीं दिखेगा। अब इंडिया का नाम क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इंडिया के लोगों के पास में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? उनको राय देना बहुत ही अच्छा लगता है, राइट? और जिनके पास में नॉलेज नहीं होती है वो लोग भी राय देते हैं। क्या राय देते हैं? कि यस, फ्रॉड बिजनेस है, हाउसवाइफ के करने का बिजनेस है, अपने टाइप का बिजनेस नहीं है, साइड बिजनेस के तौर पर कर सकते हैं, एडिशनल इनकम मिलेगी, बस जल्दी बंद हो जाएगा या फिर धोखा मिलेगा, हम पैसा खो देंगे, राइट? और ये लोग कौन होते हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं? फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड्स, जिन्होंने शायद बिजनेस को कभी किया ही नहीं होता है, फेलियर, जिन्होंने करके बहुत जल्दी सुन छोड़ दिया होता है, या फिर कलीग्स एंड क्राउड, जिन्होंने रूमर्स को बस सुना होता है, राइट? लेकिन एक्सपर्ट्स कौन, एक्सपर्ट इसके बारे में क्या बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, उनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसे हर एक यंग मैन एंड वुमेन को करना चाहिए ताकि वो अपने ए से बेस्ट रिजल्ट शो कर सके, राइट? नरेंद्र मोदी सर का भी यही मानना है, और बिल गेट्स ने, जो तो पूरा वर्ल्ड मानता है, उनका कहना है कि अगर मुझे दोबारा से चांस दिया जाए सब कुछ स्टार्ट करने का तो मेरी पहली सीढ़ी ही नेटवर्क मार्केटिंग होगी। रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखा है, उनका भी मानना यही है कि जितने भी रिचेस्ट लोग होते हैं, आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं, उनके पास में एक जानने वालों का बहुत अच्छा नेटवर्क होता है,
लेकिन जितने बाकी लोग होते हैं वो हमेशा जॉब ढूंढ रहे होते हैं। तो ये इंडस्ट्री एक्चुअली में करती क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कोई सामान कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर होता है, मतलब कहीं ना कहीं बनता है। तो जब वो कहीं से बनता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पहले लेके जाया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन लेता है, होलसेल अपना मार्जिन लेता है, रिटेलर अपना मार्जिन लगता है, और फिर एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट ऐड हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा आज कुछ तूफानी करते हैं सलमान खान, राइट, या फिर क्या कहते हैं आमिर खान, कभी कभी आके ऐड करते हैं, स्लाइस का ऐड होता है, कैटरीना करती है, राइट। तो फिर आते आते कस्टमर के पास में 5 रुपए की चीज 50 रुपए में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये बीच का मार्जिन इन सभी लोगों को जाता है। लेकिन जब कोई भी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली सामान अवेलेबल कराए और बीच का पूरा मार्जिन आपको दे दे एज एन इनकम के तौर पर, हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आज के टाइम की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नंबर 1 पोजीशन पे ऑल ओवर इंडिया में। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो टॉप 100 में भारत की और कोई भी कंपनी नहीं है जो टॉप 100 में है डायरेक्ट सेलिंग के, सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज कंपनी है। तो इंडिया में कौन से पोजीशन पे हुई, नंबर 1 पोजीशन पे, राइट। आज वेस्टीज कंपनी टॉप 100 में 36 पोजीशन पे अभी लाइव अभी वहां कर रही है, राइट। 2 जून 2004 को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2 ऑफिसेस के साथ में, आज 5000 से भी ज्यादा ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, राइट। और ये कंपनी 7 कंट्रीज में स्टार्ट हो चुकी है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, राइट, सऊदी अरेबिया एंड ओमान, और बहुत ही जल्द 2025 तक टारगेट है कि 50 अलग कंट्रीज में स्टार्ट हो जाएगी। इस कंपनी की शुरुआत की थी गौतम बाली सर ने 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में, आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, राइट। तो कोई भी कॉलेज हम कैसे सिलेक्ट करते हैं देखते हैं, क्योंकि हर कॉलेज तो अपने आप को नंबर 1 बोलता है, तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि उसकी प्लेसमेंट कितनी अच्छी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, उसकी सर्विसेज कितनी अच्छी है। उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि कोई भी कंपनी बेस्ट कैसे होती है, कि उसका कितना अच्छा, उसका इनकम कितना अच्छा आता है, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पैसा कमा रहे हैं, कितने लोगों ने वहां पे बहुत अचीवमेंट की हुई है। तो मैं आपको बताऊं, इस कंपनी में 4000 से ज्यादा से लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर मंथली अर्न करते हैं, 4000 से ज्यादा से लोग हैं जो आज कार अचीव कर चुके हैं, राइट, जिसमें से 300 से ज्यादा लग्जरी कार्स हैं, राइट। और ये कंपनी आज तक न्यूज चैनल पे 4 से 5 बार आ चुकी है, 2 साल तक बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड भी जीत चुकी है एबीपी न्यूज से। फिक्की एफएसएसआई हलाल सर्टिफाइड कंपनी है ये, हट्सा का भी सर्टिफिकेशन कंपनी को मिला हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ग्रोथ कितनी खतरनाक है, राइट। 5 करोड़ की कंपनी से ये शुरू हुई थी 2004 में, 1850 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच चुकी है, और लास्ट ईयर का डाटा अगर मैं बताऊं तो 2700 करोड़ का टर्नओवर इस कंपनी ने किया है। 79% की ग्रोथ के साथ में आज ये कंपनी आगे बढ़ती चली जा रही है। उसके साथ साथ में जैसा अब मैंने कहा कि ग्लोबल इवन हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन चलाती है, बहुत लोगों को हेल्प करती है। उसके साथ साथ में आपने देखा कंपनी को कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स कंपनी को आज मिल चुके हैं। तो उसकी प्रोफाइल तो बहुत ही अच्छी है। बात करते हैं कि कंपनी काम किस पे करती है, ये कंपनी किस पे काम करती है, तो मैं बताऊं ऐसी कौन सी मार्केट है जो लॉकडाउन में भी डाउन नहीं गई, ऐसी कौन सी मार्केट है, वो थी मेडिकल एंड ग्रोसरी की मार्केट, और कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स इसी मार्केट पे निकाले, राइट। हेल्थ केयर जो आज के टाइम पे लोगों का मेजर कंसर्न है, क्योंकि आज उनको भी ये बात पता चल गया है कि आज तक खाने से काम नहीं चलेगा, जो हम फल सब्जियां जो भी हम खाते हैं सिर्फ उनसे काम नहीं चलेगा, हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, क्योंकि वो हमें खाने में नहीं मिल पा रहा है न्यूट्रिशन, राइट। तो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, एग्रीकल्चर, हेल्थ फूड, ओरल केयर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, साथ ही में बॉयज के यूज करने वाले सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, राइट, घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे। अब मैं आपसे कहती हूँ कि ये सारा सामान कहीं ना कहीं से तो आप लेते ही थे, राइट, कहीं ना कहीं से तो आप सारी सारे सामान लेके आते थे, जहां से भी लेके आते थे क्या वहां पे आपको ये कोई भी बिल मिलता था, हो सकता है मिलता हो, क्या हर महीने कुछ ना कुछ सामान फ्री मिलता था, नहीं। क्या ऐसा होता था कि 4 महीने आप सामान लो तो 5वें महीने 2500 का सामान फ्री रहेगा, क्या ऐसा होता था, नहीं, ऐसा भी नहीं होता था। क्या ऐसा होता था कि 9 से 10 तारीख में आपको चेक या कोई कैशबैक आए, नहीं, ऐसा भी नहीं होता था। कोई अवार्ड फंक्शन, लाइव बॉय कंपनी, डव कंपनी आके आपको अवार्ड दे, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता था, राइट। लेकिन अगर यही सारा सामान आप यहाँ से लेते हैं, यही सारा सामान अगर आप यहाँ से लेते हैं, तो कंपनी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से 10-20% का डिस्काउंट भी देती है, हर महीने कुछ ना कुछ सामान फ्री भी देती है। उसके साथ में इवन 4 महीने आप यहाँ से सामान लेते हो, 5वें महीने 2500 का सामान फ्री मिलता है, राइट। और साथ ही साथ में 9 से 10 तारीख में आपके अकाउंट में चेक जरूर आता है,
राइट, और कितना आएगा वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से कैसे आपके इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, और अवार्ड फंक्शंस अटेंड करने का मौका। तो जब इतनी सारी चीजें यहाँ से मिल रही हैं, तो आपको नहीं लगता चलो यार एक बार शॉप चेंज करके देख लेते हैं, सामान अच्छा लगा तो दोबारा यहाँ से ले लेंगे, नहीं अच्छा लगता है तो हमारे लाला जी की गुप्ता जी की दुकान कहाँ भागी जा रही है, राइट। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ से इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं लगाने हैं, आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर, आपकी यहाँ पे आईडी लग जाएगी, राइट। जैसे आप यहाँ पे सामान खरीदते हैं अपने घर का, राइट, वो उससे आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी और आपको मौका मिलेगा यहाँ पे 10 तरीके की इनकम को कमाने का। यस, 10 टाइप्स ऑफ इनकम कंपनी आपको प्रोवाइड करती है जब आप यहाँ पे एक्टिव अपनी आईडी कराते हैं कि आप ये 10 इनकम ले सकते हैं, राइट। फर्स्ट इनकम हमारी होती है रिटेल प्रॉफिट 10-20% तक का डिस्काउंट। सेकेंड प्रॉफिट होता है यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस 5-11% का। जैसे मान लो 30 रुपए का आप सामान खरीदते हो तो 1 पॉइंट मिलता है, ठीक। अब आपके पॉइंट्स 1 से 5-9 के बीच में होते हैं तो 5% पैसा आप लेते हो। 600 ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो 8%, 2400 ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो 10%। अच्छा मान लो कोई दीदी जीजा जी कोई भी पर्सन आया, उन्होंने कहा यार ये घर का सामान तो मुझे भी अच्छा लग रहा है तो मुझे भी खरीदना है, बताओ तुमने कहाँ से लिया। तो मैं आपको बताऊं, और हमारे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन इतने सारे स्टोर्स हैं, ऑनलाइन भी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह की तरह से मंगा सकते हो इसमें सामान, और ऑफलाइन जाके भी ले सकते हो, तो उनके पॉइंट्स भी आपके में ही एडेड होंगे, राइट। तो 11% पे आप पहुंच सकते हो 5500 करके। तो कभी ना कभी तो क्योंकि पिछले वाले में इसमें क्या होता है कि पिछले महीने जैसे आपने 100 पॉइंट्स किए तो इस महीने 100 पॉइंट तो पिछले वाले में जुड़ता चला जाएगा, तो कभी ना कभी आप 11% पहुंचोगे। जैसे ही पहुंचोगे वैसे यहाँ पे एक टैग होता है ब्रोंज डायरेक्टर का टैग, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि 8% पे पहुंचने के लिए तो 600 पॉइंट्स करने होते हैं तब हम 8% पे पहुंचते हैं। लेकिन अभी कंपनी का ऑफर चल रहा है कि अगर आपने एक ही महीने में जिसमें आपने स्टार्ट किया 282 पॉइंट्स बस करते हैं तो आप डायरेक्टली 8% पैसा उठाओगे, राइट। 600 पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने जैसे आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे 11% ब्रॉन्ज डेटा पहुंचने के लिए 5500 पॉइंट्स करते हैं, राइट, लेकिन अगर जिस महीने में आपने स्टार्ट किया उसी महीने में अगर आपने सिर्फ 4500 पॉइंट्स कर लिए तो आप डायरेक्टली ब्रॉन्ज डेटा बन जाओगे और आपको तीसरी इनकम भी आने लगेगी जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज डेटा बोनस, 4% टर्नओवर का। अब जैसे कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है तो 4% मतलब 4 करोड़ रुपया कंपनी उन लोगों को बांट देती है जो उस महीने में ब्रॉन्ज डेटा करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे जैसे आपका दोस्त है उसने भी घर का सामान खरीदा और वो भी तो कभी ना कभी 11% पहुंचेगा। जैसे ही वो पहुंचता है आप यहाँ पे सिल्वर बन जाते हो, राइट, और आपको यहाँ पे 14% की इनकम आनी शुरू हो जाती है। कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी इनकम होती है, लोग 40 लाख रुपए से भी ज्यादा ये इनकम को उठाते हैं, राइट। उसके साथ साथ में यहाँ पे टीम बिल्डिंग बोनस भी हमें मिलता है 2% तक का। अगर जो यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है उसने अपनी मंथली 2600 पॉइंट्स कर लिए, तो सिल्वर डायरेक्टर ने 2100 पॉइंट्स कर लिए साइड से, तो उसको ये इनकम भी आनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ में कंपनी की सबसे बड़ी इनकम की अगर हम बात करें तो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस यहाँ पे मिलता है 16% तक का। अगर आपका जो दोस्त जिसने ब्रॉन्ज डायरेक्टर किया था वो 5625 पॉइंट्स मंथली बेसिस पे देना शुरू कर दे, राइट, ये कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है और लोग 60 लाख रुपए से भी ज्यादा ये इनकम को उठाते हैं। ट्रैवल फंड, घूमने का हर कोई इंसान को शौक होता है, यहाँ पे 3% का ट्रैवल फंड आपको मिलता है। कंपनी बहुत अलग अलग कंट्रीज में आपको लेके जाती है और वहाँ पे बहुत अलग अलग प्लेसेस घुमाती है और वहाँ पे बहुत अच्छे से हम बफे खाना वगैरह करते हैं, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने सारे हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं और फॉरेन घूम के आ चुके हैं। सेकंड लास्ट रो में आपको मैं भी दिख रही होंगी। यस, 17 फरवरी 2020 को मुझे भी मौका मिला जाने का थाईलैंड बैंकॉक पटाया और बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी, राइट। और यहाँ पे कंपनी वेस्टीज आपको कार फंड भी प्रोवाइड करती है। अभी हम देखें तो 22 साल की उम्र निकल जाती है इसे पढ़ाई करते करते, 2 साल जॉब ढूंढते ढूंढते, 4 साल जॉब करते करते और तब तक शादी की उम्र आ जाती है, कार दहेज में ही आती है। लेकिन अगर कार दहेज में ना लेके आपको ऐसे लेनी है तो 3 दोस्त अगर आपके डायरेक्टर बन जाते हैं तो कंपनी की तरफ आपसे आप स्टार डायरेक्टर बन जाते हो और कार फंड ले सकते हो। तो अपनी कार की ईएमआई आप बहुत आराम से यहाँ से पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कार अचीव भी की हुई है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आज बहुत सारे लोग हमारी टीम में बहुत अच्छे से कार लेके, और देखिए कैसा रोड शो हो रहा है, राइट। ऐसा रोड शो सोचिए अगर आप इसमें शामिल हो तो कैसा लगेगा, जैगुआर, ऑडी, राइट, मर्सिडीज, ये सारी कार्स आज हमारे ग्रुप से ऐसे आज रोड शो कर रहे हैं। कितना कितना ऑसम फीलिंग आती है जब हम ऐसे अपनी खुद की कमाई पे अपनी कार लेके और ऐसे रोड शो कर रहे हो, राइट।
आज वेस्टिज की तरफ से आपको हाउस फंड भी मिलता है। अगर आपके 6 दोस्त डायरेक्टर हो जाते हैं तो कंपनी आपको हाउस फंड देती है 3% तक का, मतलब जो भी घर लेना चाहे उसकी EMI आप बहुत आराम से यहाँ से पे कर सकते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि यार यहाँ पे कितना अच्छा ग्रोथ है। आप देखो लाइट लोग बोनस भी मिलता है 2% तक का कंपनी की टॉप 3 पोजीशंस पे पहुंचने के बाद में। कंपनी की अवार्ड फंक्शंस होते हैं, इवन दिल्ली में आपको बताऊं सबसे बड़ा स्टेडियम है IGI, उसको सिर्फ दिल्ली के लोगों ने भर दिया था, इतने ज्यादा लोग वहां पे क्राउड हो गए थे। अहमदाबाद का फुटबॉल स्टेडियम आपको पता ही होगा रिसेंटली में बना है, उसको सिर्फ अहमदाबाद के लोगों ने भर दिया था। इतने बड़े लेवल पे हमारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, इतनी सारी लेडीज जो बहुत अच्छी तरीके से अवार्ड फंक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और साथ ही साथ में अपने लिए ट्रॉफीज लेती हैं, राइट। और ये कंपनी के सबसे हाईएस्ट अर्नर हमारे सीनियर मोस्ट अपलाइन सिद्धार्थ सिंह सर का सबसे हाईएस्ट चेक 1 करोड़ रुपीज, राइट, आज सबसे हाईएस्ट अर्न करते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊं ये कंपनी में हर टाइप का पर्सन ग्रो करता है। इवन पुलिस वाले को भी पता है कि अगर 2-3 लाख रुपए की अचानक जरूरत पड़ जाए तो उसकी गवर्नमेंट में पैसा उसका एडवांस पे नहीं करेगी। इवन यहाँ के डॉक्टर्स भी यहाँ के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं क्योंकि उनको भी पता है न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। एक ट्रैक्टर वाला भी घर में सामान लेके आता है घर यूज करने का, घर में यूज करने का, वो तो वो भी आज यहाँ पे मर्सिडीज कर चुके हैं, राइट। IAS ऑफिसर भी रिकमेंड करते हैं। तो हर टाइप का पर्सन यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार यहाँ से एक अच्छी हेल्थ तो मिलेगी मिलेगी, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे बात करने का तरीका, कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिलेगा। तीसरा, बहुत सारे जानने वाले लोग मिलेंगे और जितना पैसा मैं कमा ले जाऊं। ना करके तो लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है, करके लाइफ में बहुत कुछ चेंज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और बहुत कुछ प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।